हम बुंदेलखंड से बिलोंग करते हैं, एक बहुत दूर दराज के गांव से, और बचपन में खूब पानी होता था। लेकिन आजकल ये स्थिति है भाई साहब की, वहाँ से किलोमीटरों दूर लोगों को पानी लेने जाना पड़ता है। जैसे हमारे छोटे भाई ने बताया, ऐसे ही हम अपने मामा के यहाँ गर्मियों की छुट्टियों में बचपन में जाते थे, और हम लोग ऐसे ही चार पांच भाई लोग मिलके एक कुआं खोद डाले थे। मतलब पानी का लेवल इतने नीचे था, आराम से 15-20 फुट पे हम लोगों ने ऐसी गर्मी की छुट्टियों में ऐसे ही खेल कूद में ही खोद लिया था, और बड़ा खुश हुए कि अपनी मेहनत से कुछ किया। आज वहाँ ये स्थिति हो गई भाई साहब, वहाँ पानी है ही नहीं, सारा पानी खत्म हो गया, कहाँ चला गया। लोग आज जाएंगे आप तो सबके घरों में ताले लगे हुए हैं, कोई दिल्ली चला गया, कोई बम्बई चला गया, रोजगार नहीं है। अच्छा, वहाँ पर नहर नहीं है तो इसके कारण खेती भी नहीं लोग कर पा रहे, पानी बहुत नीचे चला गया है, सबमर्सिबल पंप या इनके द्वारा ट्यूबवेल के द्वारा पानी नहीं आ पा रहा है। तो इसके कारण जब वहाँ पर खेती नहीं रहेगी किसान की, तो बेचारा किसान करेगा क्या, अपने घरों में ताला लगा के बाहर चला गया। और बारे और उनको ये बातें समझाई नहीं जा पा रही हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, या आर्थिक मदद नहीं हो पा रही कि वो बारिश का जो पानी हो, वो जितना भी पानी हो उसको अगर संचय कर लें। कई देशों में तो ऐसी स्थिति है, हम आपको बताएं कि वो लोग ओस का पानी संचय करके ही काम चला रहे हैं, हमारे देश ओस का जो आपने सर्दियों में देखा होगा। और एक नई टेक्नोलॉजी आई है, आप लोगों ने सुना होगा, अभी हमारे सरकार विचार कर रही है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में बदहाली की स्थिति हो गई है, वहाँ पर डार्क जोन घोषित हो गया है, मतलब पानी इतनी गहराई तक चला गया है कि अब वो ऊपर नहीं आ पा रहा, रिचार्ज नहीं हो रहा है। तो सरकार ये चाह रही है कि कई जगह पानी ज़्यादा आता है, बादल खूब आते हैं, तो वहाँ से बादलों को शिफ्ट करके लाया जाए और बुंदेलखंड में वहाँ पर बारिश कर दी जाए। इसे कहते हैं क्लाउड सीडिंग। इसमें विशेष प्रकार के कुछ केमिकल यूज किए जाते हैं। मैं चूंकि साइंस पढ़ाता हूँ बच्चों को, बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी, तो मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा। सिल्वर आयोडाइड के क्रिस्टल होते हैं, सिल्वर आयोडाइड के कण उनको छिड़का जाता है। ये दुनिया में प्रयोग पहले हो चुके हैं, चीन में, जब आपको आपने बताया, हाँ चाइना में, देखिए हमारे सुधी छोटे भाई ने बता दिया अभी कि चाइना में ओलंपिक के टाइम कहीं बारिश ना हो जाए, बादल आए तो उन्होंने वो अपना शिफ्ट कर दिया था बादल को। तो ऐसे ही जब बादल को लाया भी जा सकता है, शिफ्ट भी करके दूसरी जगह बरसाया भी जा सकता है। ये नई टेक्नोलॉजी है जिस पर विचार कर रही है। फिलहाल लखनऊ में हमारे आपके यहाँ इतना पानी होता है। दूसरी बात देखिए, इतना सुंदर पार्क बनाया, जिसने भी ये सोचा होगा उसने बहुत पुण्य का काम किया, क्योंकि इस जो जितने भी पेड़ लगे हैं, हर पेड़ पर कम से कम 100 से लेकर 200 छोटे से बड़े, और छोटे छोटे तो कम से कम मुझे लग रहा है 1,000 छोटे छोटे जीव जंतुओं का ये घरौंदा है। वो आपको दुआएं दे रहे होंगे और ये दुआएं आपको कहीं ना कहीं से लगेंगी। आजकल बड़े बड़े भंडारे कर रहे लोग, तमाम प्रकार की पार्टियां दे रहे हैं, वो बहुत बड़ा पुण्य नहीं है। आजकल जो पेड़ लगा दे रहा है ये बहुत बड़ा पुण्य है, क्योंकि ये जो साफ हवा हमें और आपको मिल रही है, आप तरह कल्पना करिए, अगर आपके घर में कोई भी कोई बीमार हो जाता है तब आप उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, एडमिट कराने के बाद डॉक्टर कहता है भाई साहब ऑक्सीजन का सिलेंडर लग गया। वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेने के लिए आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ता, ये ऑक्सीजन या प्राण वायु हमें और आपको फ्री में मिल रही है। ये पौधा इतने ज़्यादा औषधीय गुणों वाला पौधा है, नीम का पौधा कहते हैं इसे, हम लोग साइंस में पढ़ाते हैं स्मॉल विलेज फार्मेसी कहते हैं। गांव में लोग अधिकतर रोगों का इलाज, चर्म रोग, बुखार, इससे ही इसका काढ़ा बना के पी लेते हैं, इससे मच्छर भगाते हैं, इसको अनाज में रख देते हैं तो कीड़े भाग जाते हैं, इसकी निबोलियों का इस्तेमाल करके कीटनाशक के रूप में करते हैं, यूरिया के ऊपर नीम कोटेड यूरिया सरकार बना रही है, और इसकी लकड़ी से विभिन्न प्रकार के फर्नीचर बनाते हैं, जलावने में काम आती। तो ये बहुत ही पुण्यदायी पौधा है जो आपने लगाया, कितने सारे नीम के पौधे लगे हुए हैं, ये सारे औषधीय पौधे हैं, और जिस भी मानभाव ने ये काम किया है, ये भले ही अभी उनको नहीं ये मिल रहा हो कि तुरंत उनको धन्यवाद नहीं मिल रहा हो, आगे देखिएगा ईश्वर जरूर देख रहा है कि आप आज की पीढ़ी के लिए और अगली पीढ़ी के लिए ये बहुत बड़ा पुण्य का काम करके जा रहे हैं। तो हमें और आपको, हम और आप लोग अक्सर सोचते हैं कोई बाहर से आएगा, कोई मसीहा आएगा, सरकार कहाँ से कर पाएगी, सरकार किससे बनती है, अच्छा बताइए, हम लोग डेमोक्रेसी में हैं, सरकार को चुनने वाले हम और आप लोग हैं, हम ही लोग सरकार बनाते हैं, हम ही लोग सरकार के पार्ट हैं, हम ही आप में से कोई आगे चल के नेता बन जाता है वो जाके सरकार चलाने लगता, कि बाहर से थोड़े आता है। हमारे प्रधानमंत्री जी एक सामान्य आदमी थे, बिल्कुल सामान्य आदमी थे, चाय बेचते थे, ये सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। आप देखते हो उप मुख्यमंत्री जी केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, मैं उनके साथ रहा हूँ, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, विश्व हिंदू परिषद के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता था, और वहीं पर केशव भाई साहब ऐसे सामान्य आदमी की तरह रहते थे जो उप मुख्यमंत्री हैं,
एक बिल्कुल सामान्य आदमी, आप कल्पना नहीं कर सकते, हम लोग छोटी छोटी चीजों के लिए उनसे बात करते थे। ये डेमोक्रेसी की खूबी है कि एक सामान्य व्यक्ति आज अपना मेहनत के बल पे कहीं पहुंच गए। ऐसे और भी पार्टियों में है, हर पार्टी में अच्छे लोग हैं, हमें उनसे मतलब प्रेरणा लेनी है कि देखिए हम और आप लोग कुछ अच्छा काम करें और उन लोगों से भी हम लोग मदद करें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जैसे आजकल देखिए ये प्लास्टिक है, एक प्लास्टिक वो है जो हमें और आपको दिखाई दे रहा है, जो हमारे चश्मे में है, हमारे चप्पल में है, हमारे जूते के तलवे में है, बोटल्स में है, हमारे खाने की चीज़ों में है, हमारे पीने की चीज़ों में है, हमारे सोने की चीज़ों में, हमारी गाड़ियों में है, हर जगह है, हमारी धरती के अंदर भी है, हमारे हवा में भी है, सब जगह ये कुछ प्लास्टिक हमें दिखाई दे रहा है। इस प्लास्टिक को हम लोग कम करने की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे कम करें। कम करने का कुछ ढंग है, जैसे हम एकदम तो जैसे सर ने अभी कहा कि हम बटन ना लगाएं क्या, या बटन इस प्रकार से सोल्स ना लगाएं क्या अपने जूतों में, धीरे धीरे हम उसका उपयोग कम कर सकते। लेकिन कुछ उस प्लास्टिक की बात करिए जो हम जबरदस्ती लेते, सब्जी वाले के यहाँ जाते कहते पॉलीथीन दो। याद करिए 15 साल 20 साल पहले हमारे घर में पुराने कपड़े होते हैं थे, पैंट जो उससे एक झोला सिलवा दिया जाता था और हम सब लोग जाते थे सब्जी लेने, वो कहते थे कि नहीं, आखिर वो धीरे धीरे वो मजबूत झोला होता था, उसमें ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता था, वो हमने धीरे धीरे फैशन से हट गया हमारे। अब जो झोला लेके चलता है उसको आप लोग गलत समझते हो, या हम भी समझ, सबकी गलती है, अब धीरे धीरे जागरूकता आ रही है। तो एक तो देखिए ऐसी जगह तो फिलहाल प्लास्टिक ना उपयोग करिए। अब जैसे और जहाँ जरूरी है, जैसे ये भी गलत है, हम लोग जैसे पानी पीते हैं, इसको तो धीरे धीरे बंद होगा, हम आपको भरोसा दिला रहे हैं, क्योंकि हमें अभी जो चल रहा है, कल प्रधानमंत्री जी ने शपथ दिलवाई है और एक साल लगातार प्रोग्राम चलने हैं और कुछ ना कुछ चेंज आएगा इसको लेके, क्योंकि हमारे देश ने इस बार ये मुहिम उठाई है प्लास्टिक को ख़त्म करने की, यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP ने दिया है ये, तो ये हम लोगों ने इसकी कसम उठाई है। हो सकता देखिए क्या क्या होते हैं प्रोग्राम समय पर, तो ये एक प्लास्टिक उसका उपयोग वहाँ ना करें जहाँ भाई रोक सकते हो, झोले से काम चला लें। या दूसरी चीज देखिए, हम लोग उपभोक्तावादी संस्कृति में डलते जा रहे हैं। पहले हमारे आपके घरों में जितनी जरूरत होती थी उतनी चीजें खरीदते थे, आजकल क्या है, छोटे छोटे हमारे परचून वाले मोहल्ले के दुकानदारों के स्थान पर बड़े बड़े सुपर मार्केट खुल गए हैं, जहाँ पे एक चीज लेने जाओ वहाँ पे 3+ दिखा देते ऑफर, तो हम लोग 3-4 चीजें लेके आते। मेरे भी घर में बर्बादी होती, आपके भी घर में बर्बादी होती, दुख होता है, लेकिन ये हमें जानना जरूरी है कि ये बर्बादी को रोका जाए। मुझे पीड़ा हो रही है, जैसे आपको भी होनी चाहिए, कि भाई इस पे पैसा बर्बाद, क्योंकि अब उपभोक्तावादी संस्कृति में क्या हुआ कि हम लोग जरूरत से ज़्यादा चीज़ें खरीद लाते हैं, उतनी यूज नहीं हो पाती, वो बर्बाद हो जाती है। अब उसमें प्लास्टिक तो हर चीज़ का, चूंकि पैकेजिंग इंडस्ट्री पूरी प्लास्टिक पे आधारित है, तो उसमें प्लास्टिक तो उपयोग होना ही होना है, तो ये भी एक बहुत बड़ी है। तो हमें उतनी जितनी ज़रूरत है उतना ही लीजिए, क्योंकि देखिए ईश्वर हमें और आपको इतना पैसा दिए हैं कि हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। हमारे देश में लगभग आप देख रहे होंगे 125 करोड़ लोग हैं, और 125 करोड़ में देखिए हमारे अधिकतर भाई बहन गरीब हैं। गाँव तरफ जाइए, किसान बेचारा, मैं 5 साल हो गया मेरा ट्रांसफ़र हो गया असम से आया था लखनऊ में, लगभग 20 रुपया किलो 22 रुपया किलो आटा तब भी खरीदता था। आज मैंने अपनी पत्नी से कहा कि यार 5 साल हो गए, उतने ही उतने ही है, किसान के लिए तो कुछ बढ़ा ही नहीं, बाकी चीज़ें महंगी होती जा रही, आप भी सब लोग जान रहे हो 20-25 रुपया उतने ही है, और किसान कैसे आटा पैदा गेहूँ पैदा करता। हम शिक्षक बन के, मेरे घर में पर्याप्त जमीन थी, हो सकता मैं खेती कर रहा होता। तो ये पीड़ा हम और आपको समझनी है कि जितनी ज़रूरत उतना उपयोग करिए, और अननेसेसरी न करिए उन चीज़ों को, और जगह लगाइए पैसे को, शिक्षा में लगाइए, या कई अच्छे और काम भी आपसे हो सकते हैं। दूसरी बात, हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे कि इस प्लास्टिक को कैसे कम कर सकें। इसके लिए हमने देखिए कुछ पोस्टर डिजाइन, ये भी देखिए प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई, तो हमारा उस योजना का हिस्सा होते, क्योंकि हमारा केंद्रीय विद्यालय गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है। तो ये देखिए, ये कुछ पोस्टर हम लोगों ने उसमें सहयोग किया था भारत सरकार के साथ मिलके, और चूंकि ये क्लास 10 में भी है, और ये देखिए 3 पोस्टर हैं, हम लोग अपने स्कूल में बच्चों को लगाते हैं। इसमें देखिए पहला तो ये है कि हम लोगों को 3R अभी करके दिया गया है, एक R और हम बताएंगे, अर्थात R मतलब R से रिड्यूस है। कई लोग अंग्रेजी हो सकता है ना जान रहे हो, हमारे बूढ़े लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हम उसको समझाने, रिड्यूस मतलब होता है ना बिल्कुल कम कर दिया जाए, मतलब हम प्रयोग बहुत कम करें इसका, प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करें। तो ये रिड्यूस इसमें दिखाया गया है कि हम देखिए प्लास्टिक का कम उपयोग करें, जरूरत भर का करें,
इसमें हम अपने, देखिए हम बच्चों को इसलिए जागृत कर रहे हैं क्योंकि आप जानते हो कि बच्चों के ऊपर ही आने वाले भविष्य की जो दारोमदार है, उनको वही आगे चल के हमारा आपका सबका ये जो अगली पीढ़ी है वो संभालने जा रहे हैं इसको। तो अगर हम बच्चों को जागृत कर दिए, बच्चों को मैसेज दे दिए, तो बच्चा दौड़ते हुए आएगा और आपको बताएगा कि मम्मी मम्मी पापा आज हमारे टीचर ने ये बताया है, इस चीज को क्यों आप बर्बाद कर रहे हैं, इस चीज को क्यों कर रहे हैं, वो जरूर आपको कहेगा। और हमने देखा है कि साधु महात्मा कोई भी आपको कुछ कहे, लेकिन आपका बच्चा अगर आपको आके कह देगा तो आप वो चीज मान जाते हो। ऐसा हमने खुद एज ए टीचर किया है, हमने कितने सारे पेरेंट्स से स्मोकिंग छुड़वा दी क्योंकि बच्चे ने जाके बताया कि पापा मेरे टीचर ने बताया है कि आप स्मोकिंग करते हो, आपको तो नुकसान हो ही रहा है, मैं भी उतना ही प्रभावित हो रहा हूँ, मुझको भी कैंसर का खतरा है, आप मुझको भी अनजाने में कैंसर दे रहे हैं। देखिए जल्दी ही हम इनको आपको कुछ ऐसी हैबिट्स बता दें जैसे हम प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करें या ना ही करें, ठीक है। तो ये रिड्यूस इसमें कुछ है, जैसे हम घर पे अपने कुछ नए प्रकार के बैग बना लें, जैसे हम आपके सामने एक बैग लाए हैं, इसमें एक स्लोगन भी लिखा हुआ है, हम प्रयोग करते हैं सेव वाटर, पानी को बचाओ, क्योंकि आप जानते हो कि अगली सदी में जो अभी ही प्रॉब्लम आ गई है, सारी समस्या पानी को लेके है, हमारे देश के राज्य ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कर्नाटक तमिलनाडु पानी की वजह से, है ना, आपने देखा होगा कावेरी नदी के पानी के बंटवारा को लेकर रोज झगड़ा हो रहा है, राजस्थान से भी हो रहा है, तो ये सब तमाम समस्याएं आ रही हैं, कई देशों की समस्याएं आ रही हैं। तो पानी को बचाओ, पानी जितनी जरूरत है उतना उपयोग करो। आप जानते हैं ये जो पानी बनाया जाता है, ये जो आरओ है, अगर एक लीटर पानी बनाएंगे तो उसमें 20 से 30 लीटर पानी बर्बाद होता है आरओ में। तो ये देखिए पहले कोई आरओ तो पीता नहीं था, अभी हम लोग गांव जाते हैं, बिल्कुल विश्वास से कह रहे हैं, आप विश्वास करिए हम लोग कोई आरओ नहीं पीते, ऐसे ही वहाँ पर पीते हैं, हैंडपम्प से पानी आता है और पीते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है, बीमार नहीं होते। तो ये भी एक प्रकार का बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने 90 में सबसे पहले पानी आया था 1990 के आसपास, उसके बाद से ऐसा कुछ चल गया है कि अब जो भी इस पानी को पीता है वो ज़्यादा एडवांस समझा जाता है, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा समझा जाता है, है ना। आपको अभी हम बताएं, आपको इस पानी के बारे में भी बताएंगे, अभी सर्वे आए थे, इसमें दुनिया की जितनी भी नामी ग्रामी कंपनी है उनके सबके पानी में प्लास्टिक घोला हुआ है, क्योंकि ये प्लास्टिक देखिए गर्म थी बोतल, इसके पहले भी बाहर रखी रहती, गर्म हो जाती है, इससे जो भी हानिकारक केमिकल हैवी मेटल्स कैडमियम लेड ये सब घुल के इसके अंदर पहुंच जाती है, या ये कैप प्लास्टिक की बनी होती है इससे भी निकल जाता है थोड़ा बहुत। तो इसके कारण एक सैंपल लिया वैज्ञानिकों ने और सब बड़ी बड़ी जितने भी ब्रांड है, कॉफिना और कोका कोला और पेप्सिको और ये बिस्लरी नेस्ले वालों सब के लिए ब्रांड, और सब में देखा कि प्लास्टिक की मात्रा पाई जा रही है। ये वो प्लास्टिक है जो हमें और आपको नहीं दिखाई देता, ये सूक्ष्म प्लास्टिक होता है, इसे माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं, ये हमें आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ये टेरिकॉट के कपड़े से भी निकलता है, जो कपड़े धोते हैं वो नाली के द्वारा फिर नदियों तक पहुँच जाता है, उसमें प्लास्टिक जो सौंदर्य प्रसाधनों में महिलाओं की उसमें भी पाया जाता है, कुछ विशेष प्रकार की बीड्स होते हैं माइक्रो बीड्स वो भी होते हैं, शैम्पू में भी होता है, टूथब्रश करते हैं तो उसके रेशों में भी होता है। तो ये जो हम लोग गाड़ियाँ चलाते हैं सड़क पे, तो जब सड़क पे गाड़ी चलती है टायर घिसते हैं नायलॉन के, तो उससे भी प्लास्टिक के कण निकलते हैं, वो प्लास्टिक हवा में भी फैलते हैं और उसके साथ साथ हमारे पानी में भी पहुँच जाते हैं, और पानी से नदियों में, नदियों से समुद्र में। कहा जा रहा है 2050 तक इतना प्लास्टिक समुद्रों में होने जा रहा है जिस गति से बढ़ रहा है कि मछलियों की संख्या कम हो जाएगी, प्लास्टिक ही प्लास्टिक होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि जो तमाम प्रकार के आप और हम सब माताएं बहनें आप सब लोग जान रहे होंगे, कई प्रकार के नए नए कैंसर आ रहे हैं, ये बता रहे हैं वैज्ञानिक कि ये इसमें एक बहुत बड़ा कारण हमारा प्लास्टिक भी है। तो ये हम बता रहे थे, जो पहला जो पोस्टर बता रहा था कि हम कम से कम प्रयोग करें प्लास्टिक का। दूसरा ये है कि ऐसे भी कई प्लास्टिक होते हैं जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, मतलब उसकी उम्र ज़्यादा होती है, इसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, ये बेकार प्लास्टिक है। लेकिन एक प्लास्टिक वो होता है जिसे रिसाइकिल, जैसे चेयर वाला प्लास्टिक, इसको रिसाइकिल करके दूसरी चीज़ बना लेगा वो, ऐसे कई प्लास्टिक होते हैं, तो उसको रिसाइकिल करने के लिए बेच दिया जाता, बेच दिया जाए उसको, तो वो कबाड़ी जाके उसको अपना जो भी कबाड़ लेने आते हैं तो वो अपना रिसाइकिल कर देते हैं। इसके लिए सरकार आजकल, आपको ये जान के भी बड़ी खुशी होगी कि भारत में ही एक वैज्ञानिक है जो प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं और प्लास्टिक से तेल बनाते हैं, उससे अपनी गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक जो बनता है ये क्रूड ऑयल से बनता है, क्रूड ऑयल कहलाता कच्चा तेल,
जो पेट्रोल और डीजल होता है ये रिफाइंड होता है, रिफाइनरी के द्वारा बनाया जाता है, और इसका बदबूदार जो रूप होता है वो क्रूड ऑयल कहलाता है, कच्चा तेल, बहुत बदबू मारता है वो, उसका ही एक उससे एक अवयव से बनाया जाता है प्लास्टिक। तो आजकल प्लास्टिक से हमारे देश के वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीक भी ईजाद की है कि वो प्लास्टिक से ऑयल बना रहे हैं और अभी इस पर उस काम चल रहा है। तो हमारा कहने का मतलब है कि प्लास्टिक को जहाँ पर है तो कुछ रिसाइकिल, हमारे आपको पता होगा प्रधानमंत्री जी ने भी ये योजना चलाई है और हजरतगंज या कई जगह ऐसी जगह बनाए गए हैं कलेक्शन सेंटर कि जहाँ पे आप अपने प्लास्टिक को वहाँ पे दोगे तो पैसा मिल जाएगा आपको। इस प्रकार की आपको लगाई गई है मशीनें यहाँ पर लखनऊ में, और अभी भविष्य में देखिएगा एक साल के अंदर बहुत परिवर्तन होने वाला है। अभी हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कल ही बात हुई थी, वहाँ पे जो स्पेशल सेक्रेटरी है, तो चूंकि हम लोग डायरेक्ट हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट से जो भी योजनाएं होती वो केंद्रीय विद्यालय में सबसे पहले आती, जो भी प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्ट कहते केंद्रीय विद्यालय में भेजिए, कोई भी एडवर्टीजमेंट होगा उनका सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय को पकड़ा जाता है कि भाई क्योंकि उनका हमारे पर अधिकार है हर चीज़, उनकी हमारी डायरेक्ट फंडिंग आ रही सब चीज़। इसके बाद तीसरा है देखिए रीयूज, एक तो रिसाइकिल, मतलब कई चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कई डिब्बे होते हैं जिनमें हम लोग दालें रखते हैं चावल रखते हैं, उसको रीयूज कर लीजिए, मत फेंकिए। कई बार जैसे मान लीजिए चॉकलेट को और उसमें टॉफी वाला डिब्बा है उसको हम लोग फेंके ना, उसको दूसरी चीज़ों में भी यूज कर सकते हैं। तो कई ऐसे आइटम हैं जिसको हम रीयूज कर सकते हैं। इसके साथ हम अभी तीन बने हैं, एक और पोस्टर बनवाना है, उसे कहते हैं रिफ्यूज, वो पोस्टर होगा रिफ्यूज, मतलब चौथा आर ये है कि प्लास्टिक अगर आपको कोई दे भी जबरदस्ती तो रिफ्यूज कर दीजिए, नहीं भैया हम अपना एक बैग लाए हैं और इस बैग में सामान लेके आएंगे। देखिए मैं भी अपना बैग लेके आया हूँ, आपको आप ऐसा नहीं समझिए, देखिए इसमें एक मेरा आईपैड भी रखा हुआ है, इसमें मेरी बुक भी रखी हुई है और इस बैग को लेके आया हूँ। ये बुक भी हमने बच्चों के लिए बनवाई है, ये हम लोग बच्चों को इससे एक्टिविटी करवाएंगे, अभी लेटेस्ट है ये प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ही बनवाई गई है। तो ये सब चीज़ें ये हम लोग अपने बच्चों को, हम नेचर क्लब जो सर ने बताया है, हम अभी आप भी देखिएगा उसको, आपके बच्चे कोई ना कोई पढ़ते होंगे केंद्रीय विद्यालय में, पूछेगा सुशील द्विवेदी जी, हम काम करवाते रहते बच्चों, देखिए हम अपना सामान भी इसमें रख के आए हैं। अब ये देखिए ये मैसेज वाला झोला हो गया, बहुत सस्ता झोला होगा, देखो 10-15-20 रुपये का होगा। अब इसमें देखिए कुछ है नहीं, ऐसे झोला घर में बना सकते हैं आप लोग, और इस पर बढ़िया आजकल बच्चे और माँ बहने लोग बढ़िया फर्स्ट क्लास की नक्काशी और कढ़ाई दर्म कर देंगे, इस पर लिख देंगे सेव वाटर, सेव अर्थ, ग्रीन अर्थ, 10 लोग देखेंगे आजकल। और आज देखिएगा एक साल बाद ऐसा कुछ होने जा रहा है, ये फैशन का पार्ट बन जाएगा, हम लोग ऐसे लगा के बढ़िया निकलेंगे और सब लोग कहेगा कि देखिए कितना बढ़िया निकला। तो ऐसा देखिए परिवर्तन तो लाना ही पड़ेगा, परिवर्तन लाएंगे कौन, हम और आप लोग पढ़े लिखे लोग, और समझाएंगे, और हमारी जो पुरानी जीवन शैली थी जो हमारे पूर्वजों की दी हुई, जो हम लोग जितनी ज़रूरत होती थी उतने में ही संतोष करते थे, वो अपनाना पड़ेगा। हम लोग तो बहुत पहले से ही प्रकृति प्रेमी लोग हैं, हमने प्रकृति का सम्मान करना हमें बहुत पहले से वेदों में सिखाया गया है, लेकिन इधर क्या है चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली हैं 10 साल के अंदर। हम लोग क्या है एक मोबाइल देखिए हम लोग खरीदते हैं और एक साल में ही दूसरा खरीद लेते हैं, तीसरा खरीद लेते, इसका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट हो रहा है, ये सब प्लास्टिक का बना होता है, तो इसके कारण बहुत बड़ा एक संकट पैदा हो रहा है। साथ में देखिए हम लोग अभी इतने टाइम भी बैठे हुए हैं पसीना आ रहा है, क्यों सब लोग कह रहे हैं यार आज देखिए आज मुझे लग रहा 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा लखनऊ का तापमान, कहते हैं इतनी गर्मी हो गई, इतनी गर्मी हो गई, पेड़ लगाओ, अब हम लोगों को चिंता हो रही पेड़ लगाने की। अब देखिए ये सब जो तापमान में वृद्धि हो रही है, इसको 5 मिनट बोल दीजिए बस समझा दें हम, इसके बाद ये जो तापमान में वृद्धि हो रही है ग्रीन गैसेस के कारण हो रही है, कुछ विशेष प्रकार की गैसेस होती हैं जिन्हें हम लोग वैज्ञानिक लोग ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। ये गैस कैसे ज़्यादा हो गई हैं, जैसे ये ग्रीन हाउस गैस में 3 गैस होती हैं, एक होती कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दूसरी होती मीथेन और तीसरे होते क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके साथ साथ थोड़ी बहुत मात्रा में और भी चीज़ें हैं, लेकिन ये 3 मुख्य गैसेस हैं, इनकी मात्रा धरती पर बढ़ गई है, जितनी चाहिए थी उससे ज़्यादा हो गई, इसके कारण धरती असमान रूप से गर्म होना शुरू हो गई है। जैसे पहले देखिए ऐसा कुछ नहीं होता था, 15-20 साल पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, या आपने देखा होगा इतना मतलब सूखा नहीं पड़ता था, या कई जगह आजकल देख रहे होंगे इस जो इस फिनोमेना को हम अभी बताएंगे आपको, ग्रीन हाउस गैसेस के जो कंसंट्रेशन बढ़ गया, जैसे इसको समझिए कि हमारा एक फुटबॉल का आकार की एक कोई ऑब्जेक्ट कल्पना करिए कि ये गेंद है, कोई गोल है, ऐसी है धरती, धरती के चारों तरफ खूब सारी गैसेस, उसे वायुमंडल कहते हैं, सब कोई समझ रहा होगा, उस वायुमंडल में ये गैस पाई जाती है, इन गैसों के होने के कारण हम और आप लोग इस धरती पर रह पाए थे,
क्योंकि अगर ये गैसेस नहीं होती तो हमारी धरती कोल्ड प्लैनेट होती और उसका तापमान -20 -25 डिग्री सेल्सियस होता। तो देखिए किस हमारे परमात्मा ने हमारे लिए कुछ इस प्रकार से जीवन सृजन किया, इन गैसेस को धरती पर उत्पन्न किया, अब उसके कारण हमारी अर्थ का तापमान औसत तापमान बना रहा। लेकिन इधर हमने अपने फायदे के लिए तमाम प्रकार की ऐसी गतिविधियां की कि इन गैसेस की मात्रा वातावरण में जरूरत से ज्यादा बढ़ा दी। अब ये गैस क्या करती है, सन से जो रेडिएशन आता है वो धरती पर टकराता है, धरती पर टकराने के बाद जो लौटता है वो इंफ्रारेड रेडिएशन में जाता है और इन जो गैस जो धरती के चारों हो रहे हैं इनके अंदर एक अपनी एक टेंडेंसी होती है, ये गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेती है तो ये बाहर जाने नहीं देती, इसके कारण धरती पर ये गर्माहट हो जाती है। अब धरती पर इन गैस की मात्रा बढ़ रही, गर्माहट ज़्यादा बढ़ रही, तो इसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये ग्रीन हाउस शब्द विदेशों से आया है, जहाँ पर बहुत ठंड पड़ती थी वहाँ पर किस जैसे हमारे देश में तो सूरज और ठंड दोनों गर्मी सर्दी सब कुछ रोज आ रहे हैं, देखिए सुबह सुबह भगवान सूर्य के दर्शन होते हैं, लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं है, पता चला 4 महीने 5 महीने सूरज नहीं कर रहा है, वहाँ पर खेती कैसे करेंगे क्या है, तो खेतों में क्या करते हैं ग्रीन हाउस चैम्बर बनाई जाती है गिलास की या प्लास्टिक की, तो जैसे थोड़ी बहुत देर के लिए सन निकला या थोड़ी गर्मी हुई तो उसे वो कैप्चर कर लेते, धरती पर टकराया रेडिएशन, जैसे ही ऊपर गया तो ये सन जो उसमें जो खेत में ग्लास का जो हाउस बना है या प्लास्टिक का तो वो जाने नहीं देता गर्माहट को और इस एक टेम्परेचर बना देता खेत का जिसमें वो सब्जियों फल को उगा लेती। जैसे आप कभी बंद कार में इस समय बाहर रखी हो, जिसके अंदर जाते हो 50 डिग्री 55 डिग्री सेल्सियस होता है तापमान, होता है ना, क्योंकि कांच के अंदर एक प्रवृत्ति होती है कि वो गर्म वाला रेडिएशन है उसको इंफ्रारेड को बाहर नहीं जाने देता, फिर आप लोग खिड़की खोलते हो जल्दी से थोड़ी देर रखते हो ठंडी हो जाती है, होता है ना सर। तो ये जो हमने CO2 मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये अलग अलग जगह से निकलती हैं, जैसे हम लोग हमारे यहाँ जो बिजली आती है वो कहाँ से आती है, कोयला जलाने से हमारे देश में बिजली बनती है थर्मल पावर प्लांट से, उसमें CO2 गैस बाहर निकलती है। देखिए खूब व्हीकल हम लोगों ने खरीदे सब कोई, पहले हम लोग साइकिल से चलते थे, सबके घर में एक एक दो व्हीकल है, डीजल पेट्रोल जलता है CO2 गैस निकलेगी उससे, है ना, और भी बहुत सारे सोर्सेस हैं। तो ये जितने भी हैं ये CO2 के लिए, मीथेन में क्या है हमारे यहाँ चावल की खेती होती है वो तो होनी होना है, नहीं तो हमारा पेट नहीं भरेगा, वहाँ से मीथेन गैस निकलती है चावल के खेत से। हमारे जो जानवर होते हैं गाय भैंस वो जुगाली करने वाले जानवर, सुबह सुबह अगर आप जहाँ पे बांधते हो वहाँ जाओ तो वहाँ एक अलग प्रकार की स्मेल होती है, वो मीथेन के कारण होती है, क्योंकि वो जो गैस निकालते हैं वो मीथेन होती है, तो वो जानवर भी निकालते हैं और भी तो मीथेन, साथ में जो कोयला जहाँ से निकाला जाता है कोयले की खदानों से वहाँ मीथेन अपने आप निकलता है स्वतः, तो वो भी मीथेन, और भी कई कारण हैं जिससे मीथेन बढ़ रहा है। ऐसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हम और आप लोग अपने घर में एसी खरीदते हैं उसमें कंप्रेसर होता है, हमारी कार में एसी होता उसमें कंप्रेसर होता है, उसमें गैस भरवाते हैं, आप लोग सुना होगा सबने की गैस भरवाई, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। याद करो जब आप अपनी एसी की रिपेयरिंग करवाने जाते हो तो जब कहते हो मैकेनिक से, मैकेनिक क्या कहता है, भाई साहब फिर से 5,000 रुपया लगेगा, आप कहोगे क्यों भैया अभी तो हमने 6 महीने पहले गैस भरवाई थी, वो कहेगा नहीं भैया वो तो अब साफ करेंगे तो लीक हो जाएगी, कहता है ना लीक होके कहाँ जाता है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये कहीं और नहीं जाता, ये हमारे इसी वातावरण में जाता है और जाके जो ग्लोबल वार्मिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, साथ ही हमारे धरती के 50 किलोमीटर ऊपर एक नेचुरल छतरी पाई जाती है जिसे ओजोन की छतरी कहते हैं, वो हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है, जिसका हमारे आपके जो स्किन के ऊपर स्किन कैंसर नहीं होता, आंखों में कैटरेक्ट नहीं होता है, फसलों पर गलत प्रभाव नहीं होता है, तो वो भी ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऊपर जाता है और अपना क्लोरीन मॉलिक्यूल निकालता है, ओजोन के 1,00,000 मॉलिक्यूल को तोड़ देता है, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल, और ओजोन धीरे धीरे पतली होती जा रही है, इसे कहते हैं ओजोन होल। इसके कारण भी आजकल देखिए इतनी गर्मी बाहर जाते हो आपके बिल्कुल फफोले पड़ जाते हैं, आपने देखा होगा, या कई सारे स्किन कैंसर लोगों को हो जा रहे हैं, आंखों में समय से पहले धुंधलापन दिखाई देने लगता है, आपने देखा होगा लेंस बदलवाना पड़ता है, कैटरेक्ट मोतियाबिंद की जिसे कहते हैं, तो ये सब वातावरणीय समस्याएं हैं जो होना कभी बाद में चाहिए वो पहले होने लगे हैं, तो इनको अगर रोकना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ग्रीन हाउस को रोकना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, नहीं तो ये धरती का तापमान बढ़ेगा। अच्छा धरती का तापमान बढ़ेगा तो आप ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, लखनऊ के ऊपर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उन देशों की सोचिए जो समुद्र के किनारे पर है, जिनके शहर समुद्र के किनारे हैं, क्योंकि जब धरती का तापमान बढ़ेगा तो हमारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे, जो बर्फ के ग्लेशियर हैं पोल पर वो पिघल जाएंगे, वो बर्फ पिघल के कहाँ आएगी, नदियों में, और नदियों को पानी अंतोगत्वा कहाँ जाता है, समुद्र में, और समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा और कलकत्ता डूब जाएगा, मुंबई डूब जाएगा, कराची डूब जाएगा,
और क्या होगा, हमारा जो मालदीव है पूरा पूरा डूब जाएगा, वहाँ के लोग कहाँ जाएंगे जो समुद्र के किनारे हैं, वो दूसरे देशों में भागेंगे, लाइन ऑर्डर की समस्या पैदा हो जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे अभी देखिए रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए मची हुई है, दूसरे देश में घुसेंगे, दूसरे देश में लड़ाई दंगा होगा, कितनी बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। इसीलिए दुनिया के लोगों को बार बार चेताया जा रहा है कि हम और आप लोग, हर बच्चे की क्लास की किताब में ये लास्ट के 2-3 चैप्टर रखे गए हैं, सरकार ने रखे हैं कि वही टीचर इनको अच्छे से एक्सप्लेन करे, क्योंकि जब ये पर्यावरण और धरती ही नहीं रहेगी तो हम और आपका अस्तित्व संभव ही नहीं है। तो ये हमारी आपसे ये विनम्र अनुरोध है कि अपने और अपने पड़ोस में इस प्रकार का आप परिवर्तन लाएं, इस प्रकार की अपनी जीवन शैली अपनाएं, एक जिसे हरित जीवन शैली कहते हैं, इको फ्रेंडली बिहेवियर कहते हैं, कि आप भी जिंदा रहिए और हमारे साथ साथ और जीवधारियों को भी जिंदा रहे। आपको याद होगा WWF, वो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, उसने जो अपना लोगो बनाया है, आप लोग देखे होंगे घर में आप अपने छोटे बच्चे के लिए क्या लाते हैं, टेडी बियर लाते हैं ना, वो प्यारा सा क्यूट सा लाते हैं, वो कुछ और नहीं पंडा है, पंडा, पंडा क्या इतना लोगों ने शिकार किया, इतना प्यारा होता था कि वो धीरे धीरे खत्म हो गया, उसकी बहुत कम संख्या हो गई। तो हर बार 5 जून के समय पर लोग WWF का अपना एक लोगो है, उसमें पंडा बना हुआ है, वो कह रहा है कि भाई मुझे बचाओ। ऐसे बहुत सारे जीवधारी हैं जो धरती से खत्म हो गए, डोडो पक्षी खत्म हो गया, हमारी गौरैया खत्म हो रही है, हमारी मोरों की संख्या खत्म हो रही, हमारा गिद्ध खत्म हो गया, गिद्ध खत्म होने से बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई। आजकल एक धर्म है जिसे पारसी धर्म कहते हैं, पारसी धर्म के लिए तो बहुत बड़ा संकट हो गया, क्योंकि उनके जो भी लोग खत्म हो जाते हैं, भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, तो उसे वो ऐसे ही एक चबूतरा होता है उसको सन में छोड़ देते हैं, वो गिद्ध आकर उसको खा के अपना अपना जाता है, और उनका इस प्रकार से दाह संस्कार समझ लीजिए इस प्रकार का होता है पारसी, उनके लिए तो बड़ी बड़ी समस्या हो गई। अच्छा गिद्ध खत्म हो गए तो देखिए एक स्पीसीज खत्म होने से क्या अंतर होगा, उससे देखिए किसका आतंक बढ़ा, कुत्तों का, क्योंकि कुत्ते वो चीज मांस खाने लगे और कुत्तों का नेचुरल मांस खाना नहीं था उसका स्वभाव, उसके कारण उनके अंदर विकृति हो गई। आजकल आप अपने बेटों से पूछे, बेटियों से, कई बार रास्ते में कोचिंग स्कूल से आ रहे होते, रास्ते में 4 कुत्ते मिल जाते हैं और बेचारी भागती है जान बचा के, क्योंकि वो आदमखोर हो गए, वो कब किसके ऊपर हमला बोल दे क्या है, क्योंकि अब उनका देखिए प्रकृति में जैसे शेर खत्म हो जा रहा है, अब शेर खत्म हो जाएगा तो सीधी सी बात है क्या बढ़ जाएगी, नील गाय। हम बुंदेलखंड से आते हैं, वहां पर नील गाय का बहुत बड़ा आतंक है, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अगर शेर खत्म होगा तो नील गाय की संख्या बढ़ेगी, अगर नील गाय खत्म होगी तो शेर भी खत्म हो जाएगा। या आप शेर को कैसे खत्म किया, हम और आप लोगों ने बहादुरी का काम किया, जंगल पे कब्जा किया, शेर का शिकार करके उसकी खाल को अपने बेडरूम में या ड्राइंग रूम में टांग दिया कि देखो हमारे चाचा जी हमारे दादाजी इतने बड़े तोपची थे कि शेर का शिकार करते थे, किया कि नहीं किया। तो एक स्पीसीज अगर खत्म होती है तो उससे जुड़ी हुई कई सारी स्पीसीज खत्म हो जाती, क्योंकि एक दूसरे से हम सब लोग जुड़े हुए हैं, हम और आप लोग अकेले नहीं हैं, हमारा जीवन भी गौरैया पर निर्भर, ये बहुत काम के होते हैं हमारे आपके लिए, मधुमक्खी तितलियां, क्योंकि किसान जो फसल उगाता है उसका परागण करते हैं, पर परागण कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, तो मधुमक्खी अपने छत्ते से उड़ती है और उड़ के फिर जाके पॉलन ग्रेन की तलाश में काफी दूर तक जाती है, फ्लावर से पॉलन ग्रेन लेती है और फिर जाके दूसरे फ्लावर पर पहुंचती है, इस क्रिया में वो ट्रांसफर कर देती है पॉलन ग्रेन का, इसे परागण कहते हैं, और इससे फिर बाद में फर्टिलाइजेशन और इससे फल और बीज का निर्माण होता है। जो गेहूं खाते, जो चावल खाते हैं, जो मक्का खाते, कुछ भी खाते हैं हम, वो सब परागण के कारण संभव है। और ये मधुमक्खी और ऐसे कई कीड़े हैं जो 70% पॉलिनेशन करते हैं। हम आप लोगों ने क्या किया, खेतों में खूब कीटनाशकों का प्रयोग किया और साथ में इतना मोबाइल रेडिएशन, हाई टेंशन वायर, इसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट हुई, मधुमक्खी अपने छत्ते से बाहर जाती हैं और रास्ता भटक जाती हैं और भटक के अपना मर जाती हैं, इसे कहते हैं कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर, मधुमक्खियों की संख्या बहुत कम होती जा रही। साथ में हम लोग दवाइयाँ विभिन्न प्रकार की अपने खेतों में छिड़क दे रहे हैं तो उसके कारण भी कीड़े मधुमक्खियाँ मर रही हैं, चिड़ियाँ मर रही हैं, तो इसके कारण हमारा पूरा तंत्र गड़बड़ा रहा है। और जब पॉलिनेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फल और बीज का निर्माण नहीं होगा, तो कल के दिन आपको राशन कहाँ से मिलेगा। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।